हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगर चार्ट, मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 2.7% डाउन, लगभग 960 पॉइंट लॉस के साथ। चार्ट पे देखोगे तो ये लगभग तीसरा महीना रहेगा जो नेगेटिव रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। लास्ट मंथ हमने 630 पॉइंट का लॉस देखा था, उससे पहले जो है तो 230 पॉइंट का लॉस देखा था। और अभी तक ये जो मंथ है ये अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तक जो है तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ नीचे की तरफ आपको जो है तो अच्छे खासे लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं आगे चल के। यहाँ जो है तो मंथली चार्ट पे 33,300 और उसके बाद में 30,100 ये दो सपोर्ट जोन है। ये है 20 और 50 वीक मंथ के एवरेज। तो उन एवरेज की तरफ मार्केट जो है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ जो है तो लॉन्ग टर्म व्यू करेक्टिव है। और यहाँ मेरी सलाह रहेगी जिनके पास प्रॉफिट है बैंकिंग स्टॉक में, उनको एक तो बुक करना चाहिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर डीपर करेक्शन आता है तो हम 25,000 या उसके नीचे के भी लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर सिचुएशन जो है तो डायर होती है इन्फ्लेशन फ्रंट पे या फिर वॉर फ्रंट पे और जो ग्लोबल टर्मोइल चल रही है उसमें, अगर क्रूड जो है तो 150 की तरफ जाता है तो आपको श्योर शॉट 25,000 का लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। और एक लॉन्ग टर्म डाउन साइकिल जो है तो उसकी स्टार्ट हो सकती है बैंक निफ्टी पे, अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ा रहा तो, क्योंकि उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वहाँ से जो है तो आपको इक्विटी में डाउनवर्ड स्पाइरल देखने को मिलेगा। करंटली हम जा रहे हैं 33,300 उसके बाद में 30,000 के लेवल की तरफ। तो यहाँ रहेगा सेल ऑन राइज व्यू, इन्वेस्टर के लिए सलाह रहेगी प्रॉफिट बुकिंग की। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे हमने लास्ट वीक टॉप देखा था लगभग 36,300 के अराउंड। अभी जो है तो हम ट्रेड कर रहे हैं 34,554 पे। लास्ट सेशन में हमने लगभग 1.5 से 2% की लॉस देखे हैं बैंक निफ्टी में। और यहाँ जो है तो इस वीक हमने लगभग 815 पॉइंट का लॉस देखा है बैंक निफ्टी में। 2.3% डाउन ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। नीचे जो है तो पिछले महीने का लो था लगभग 33,000 का, उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसके नीचे जाते हैं तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 30,500 के अराउंड। और यहाँ जो है तो जैसे हम ये लेवल तोड़ेंगे 33 का, आपको जो है तो एक शार्प मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखेगा मार्केट में, जो लेकर जाएगा इसको 30,500 के लेवल की तरफ। और वीकली चार्ट पे ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन है वो है लगभग 35,600 और 35,900। उन लेवल पे बाउंस बैक आता है तो आपको बैंक निफ्टी बेच कर ही चलना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 35,900 के ऊपर। और टारगेट जो रहेंगे आपके मीडियम टर्म वो रहेंगे 33,000 उसके बाद में 30,500 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो निचले टारगेट सभी अचीव किए, उसके बाद में एक शॉर्ट कवरिंग रैली दी, फिर से जो है तो 200 डेज के अराउंड जो है तो रिजेक्शन लिया और वहाँ से फिर से जो है तो डाउन ट्रेड मूव कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ जो है तो आपको फ्रेश लो देखने को मिल सकता है। इस महीने की जो टारगेट है एज पर पिवट पॉइंट, पहला टारगेट है 33,700 का, उसके बाद में 33,000 और लास्ट में जो है तो 31,700 के टारगेट। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। यहाँ ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन है या फिर फ्रेश सेलिंग जोन है वो है लगभग 35,400 से लेकर 35,800 के बीच में। यहाँ शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है, अगर आती है तो आपको बेचकर ही चलना है। मुझे नहीं लगता कि हम ऊपर के लेवल की तरफ सस्टेन हो पाएंगे। तो अगर यहाँ आपको शॉर्ट कवरिंग रैली मिलती है तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के अराउंड सेल कीजिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपको जो है अच्छे खासे लोअर लेवल के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीक के लिए मेरा जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 35,200 से लेकर 500 के बीच में। उस लेवल में हम शॉर्ट एक्युमुलेट करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 35,900 के ऊपर। टारगेट रहेगा मेरा, पहला टारगेट रहेगा 33,700 और उसके बाद में 33,000 के टारगेट हम नेक्स्ट वीक के लिए पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रखना है क्लियरली, और ऊपर की तरफ अगर बाउंस बैक आता है तो उसको बेच कर ही चलना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। या वोलेटिलिटी पीक पे रहेगी, आपको दोनों तरफ के मूव भी आते हुए दिखेंगे। इंट्राडे की रेंज बहुत बड़ी रहेगी
अगर गैप डाउन होता है तो शॉर्ट कवरिंग रैलीज आएंगी, अगर गैप अप होता है तो फ्रेश सेलिंग आपको इन्वेस्टर की तरफ दिखाई दे सकती है। मगर क्लियर कट आपको जो व्यू रखना है मार्केट पे वो सेलिंग का ही रखना है, सेल ऑन राइज व्यू रखना है। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो आपको फोकस करना है 35,500 के पुट ऑप्शन पे जो मंथली एक्सपायरी का है, या फिर 35,000 का पुट ऑप्शन जो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का है उस पे जो है तो एक्युमुलेशन करना है डिप्स पे। अगर मार्केट 33,000 और 31,700 पे जाता है तो आपको उस ऑप्शन में लगभग 2x टू 3x गेन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो इन द मनी हो जाएंगे और फ्यूचर के जैसे बिहेव करने लगेंगे, उसके वजह से आपको जो है तो एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के लिए भी स्टॉप लॉस सेम रहेगा, 35,900 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ये मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ ना कि वीकली। तो आपको मंथली ऑप्शन पे फोकस करना है विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, रिस्क हायर साइड रहेगी क्योंकि आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है मार्केट में। मार्केट यहाँ जो है तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, ये दोनों तरफ के जो वीक ट्रेडर है उनको ट्रैप करेगा, और जो स्ट्रांग हैंड है मुझे लगता है वो सेल ऑन राइज व्यू है उनका, तो उनके साथ जाना चाहिए हमें, और हमें रेजिस्टेंस के अराउंड सेल करके हमारे जो टारगेट रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, मैं फिर से बता देता हूँ आपको 33,700 और उसके बाद में 33,000 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप सो ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे प्रीमियम कॉल चाहिए शोर शॉर्ट फ्यूचर और ऑप्शन में तो आप मेरे प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।